मुझे माफ करना रंगा, मैं तुम्हारी अमानत नहीं बचा सकी। तो माता याद है ना? हाँ हाँ याद है। इस जन्म में दोस्त, अगले जन्म में बीवी, नहीं मुझे छोड़ के नहीं जाना। लंका में लाया हूँ। ये बच्चे कल के रंगा है। हाँ, देखो देखो आज ये रो रहे हैं, कल सबको रुलाएंगे। हाँ, देखो आज ये लुटे हुए हैं, कल सबको लूटेंगे। हाँ कितने जालिम पापी वैसी हो तुम। हाँ पाप का बेटा हूँ, जुलम की औलाद। मेरा उस्ताद रंगा कहता था पाप कभी नहीं मिटता, जब वो जिंदा था पाप उसमें था, अब मैं जिंदा हूँ पाप मुझ में है, और जब मैं मर जाऊंगा
पाप किसी और शक्ल में आ जाएगा। हाँ, हाँ, तुम भी पाप को जन्म दे सकती हो। ऐसा क्यों नहीं होगा? आज तक ना कोई मेरे पंजे से बच सका है और ना कभी बच सकेगा। और सुनो, अगर तुम्हारे गांव वालों ने मुझे खजाने का राज नहीं बताया तो पता है क्या होगा? उसके हुक्म से लड़कियां लुटती रहेंगी, समझी? बच्चे उठते रहेंगे और खून होते रहेंगे। हाँ, खून, जुल्म, पाप। तुम लोगों की जाने ले सकते हो, किसी को जिंदगी दे सकते हो, अबलाओं की इज्जत लूट सकते हो, उसकी लाश बचा सकते हो। बचाना जानता तो लूटता क्यों? आज तुम्हें भी लूटूंगा। हाँ, मुझे बचो, मुझे बचो। मैं देवी की पुजारन हूँ, देखो मेरा तन मन गंगा जल की तरफ पवित्र है। अच्छा है, तुम्हें छूकर मैं भी गंगा जल बन जाऊंगा। हाँ, जहर कभी गंगा जल नहीं बन सकता, पाप और पुण्य का कभी साथ नहीं हो सकता। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा उस्ताद रंगा कहता था, पाप और पुण्य का तो जन्म जन्म का साथ है, पाप के बिना पुण्य की तो परख ही नहीं हो सकती। पति के अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता। पत्नी बन जाओ, पति बना लो, पाप को पुण्य से मिटा दो। हाँ, पाप को पुण्य से मिटा दो। हाँ, हिम्मत है तो जुल्म के जहर को गंगा जल बना दो। जुल्म के जहर को गंगा जल बना दो, हो सकता है मेरी इस कुर्बानी से लाखों इंसानों की जानें बचाए, हबलाओं की आबरूएं न लुटे, बच्चे यतीम ना हो, किसी तीन धर्म की तौहीन ना हो। पंटू, जल्दी से मंडप सजा, पंडित को बुला, शहनाई बजा, आज रंगा शादी करेगा। हाँ, रंगा खुश, रंगा खुश, रंगा खुश। माँ बाप को कमबख्तों ने पहले खत्म कर दिया। दुनिया में एकलौती बहन थी, वो भी उस जालिम के जुल्म का शिकार हो गई। हिम्मत से काम लो मेरे दोस्त, लानत है तुम लोगों पर। गांव की बेटी उठ गई और तुम लोग देखते रह गए। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं रंगा का सर कुचलने में तुम्हारा साथ दूंगा कर्मा। मेरा साथ? डाकू डाकू से लड़ेगा? हाँ कर्मा, डाकू ने डाकू के साथ गद्दारी की। तुम नहीं जानते मेरे जेल भिजवाने में रत्ना का कितना हाथ है, जिसके साथ मैंने आज तक वफादारी की कर्मा। तो फिर रंगा से दुश्मनी कैसी? मैंने जब जेल में कदम रखा था कर्मा, तब से मैंने कसम खाई थी कि हर जालिम का नामो निशान तक मिटा दूंगा। कर्मा, देवी तुम्हारी ही बहन नहीं, आज से मेरी भी बहन है, मेरी भी बहन है। कर्मा, कर्मा। रंगा की शादी हो रही है। लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वर अभ्याम नमः। हाय हाय, मैं सबसे जाऊं मेरे सरकार। Thank you.
के मौके पर आंसू रंगा की रंगी बनकर पछता रही है, पत्नी बनकर पति से नफरत करती है, मुझे प्यार करना नहीं सिखाओगी? तुम्हारी इस कोट से पाप की बदबू आ रही है। जरूर आती होगी, इस कोट पर हजारों आदमियों का खून जो लगा हुआ है। रंगी, मेरा उस्ताद रंगा है ना, जब ये कोट डालता था ना तो खूब खून करता था, कत्ल करता था, पाप करता था। जब वो मर गया ये कोट मुझे दे गया, अब मैं कत्ल करता हूँ, खून करता हूँ, पाप करता हूँ। तुझे इससे नफरत है, उतार तू। हाँ, रंगी खुश, रंगा खुश, रंगी खुश, रंगा खुश। आप तो ये देख लेते बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम। रंगी, रंगा उस्ताद तो मर गया, मेरे जिस्म पर जुल्म के निशान छोड़ गया। रंगी बहुत मारता था मुझे, मारता था। क्यों मारता था? जब उससे मैं अपने माँ बाप का पता पूछता था ना, कहता था मेरा कोई माँ बाप नहीं, मैं जुल्म की औलाद हूँ, पाप का बेटा हूँ, मेरा काम खून करना है, कत्ल करना है, पाप करना। रंगे, बड़ा मारता था रंगी मुझे, बहुत मारता था रंगी। कितना जालिम था वो। अब मैं जालिम हूँ। नहीं रंगा, आप तुम कभी जुल्म नहीं करोगे, किसी दीन धर्म की तोहीन नहीं करोगे, किसी मंदिर मस्जिद पे हमला नहीं करोगे। रंगा, मैं इसका वचन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस शैतान के हाथों एक खिलौना हूँ, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें ये खेल छोड़ना होगा रंगा। नहीं रंगी, वो मुझे मारेगा, गला घोंटेगा, तुम भी मुझे नहीं बचा सकोगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी रंगा, मैं तुम्हारी शैतान से रक्षा करूंगी। क्या तुम्हारे प्यार में इतनी शक्ति है? बात है रंगा, बात है, प्यार में भगवान है, वो चाहे तो शैतान को कचल सकता है। देखता हूँ तेरा प्यार इस शैतान से कैसे टक्कर ले सकता है, मुझे पाप करने से बचा सकता है। जरूर बचाएगा रंगा, वो तुझे जरूर बचाएगा। देवी की पुजारन को भी नहीं छोड़ा, इस जालिम ने जुल्म की हद कर दी है। अगर हमें इसके हमले का पता चल जाए तो हम सब मिलकर इससे टक्कर ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चोरों की तरह पहाड़ों के चौराहों से किसी वक्त भी घुसाता है। इस इलाके में 50 गांव हैं, चौकी पर सिर्फ 50 पुलिस है, कहां का पुलिस पहरा दे। गांव वाले भी इसकी दहशत से बुजदिल हो चुके हैं। इंस्पेक्टर, हमें इन बुजदिलों को शेर बनाना पड़ेगा। अंकल, मैं करूंगी ये काम। डैडी, तू करेगी? अरे शिकारी की बेटी होकर तू शेर का शिकार तो कर नहीं सकती। जोश मत दिलाओ डैडी, नहीं तो। अरे क्या बात कर रही हो बेटी, हमें तो तुम्हारी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। क्या कहा बेटी? मैं डैडी की बेटी नहीं, बेटा हूँ, बेटा। क्यों डैडी? शाबाश वानकलाल जी, शाबाश, कमाल की खबर लाए। वो खजाना जिसका ख्वाब रंगा बरसों से देखता था, कल वो खजाना रत्ना को हासिल होगा। लेकिन रौनक लाल, ये कहना क्यों भूल गए कि वो इलाका रंगा का है? भैया, कहाँ रत्ना और कहाँ रंगा, और फिर डाकू को भी कोई इलाके हुए हैं? सरदार, उस गांव में खजाने के साथ साथ शव
कबाब भी है और कबाब भी। सरदार, कबाब में हड्डी भी आ टपकी। हड्डी? हाँ, खबर मिली है कि धर्मा जेल से भाग निकला है। रौनक लाल है, समझ गया सरकार, समझ गया। रौनक लाल आपके दुश्मनों की रौनक खत्म करने के लिए ही तो पैदा हुआ है। रंगी, बच्चों को खिलाया? हाँ। तुमने खाया? नहीं, पहले तुम खा लो। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं खाती। पापी हूँ ना, गुनाहगार हूँ ना, इसलिए नहीं खाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लो। बड़े प्यार से खा रहे हो। दीदी ने प्यार से खिलाया और मैंने खाया, तुम खाओ। मैं कोई नहीं, मगर उस्ताद तुम्हारे इलाके का सारा खजाना रत्ना को अपने अंदर कर लेगा। खजाना ना मिला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, समझे? ये कह रहे हो, तुम्हारे उस्ताद का हुक्म है खजाना हासिल करना। नहीं, नहीं। मैं कहती हूँ उठ, देखता क्या है, इस खजाने को हासिल करने के लिए तेरे उस्ताद का हुक्म है। नहीं, नहीं। उठ, नहीं उठता। अगर तुमने उस्ताद के हुक्म की तामील न की तो वो तुम्हारी हड्डी पतली तोड़ देगा। वो आज भी जिंदा है, देख, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख, माफ कर दो। कर दिया माफ, देखो देखो, मुझे माफ कर दो। माफ करने का मुझे क्या दोगे? मेरे पास है क्या? जान हाथ में, जान, एक कान लेके दूसरी जान दे दी, क्या दो? और याद रखना, रंगा पहली बार माफ करता है और दूसरी बार माफ करता है। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? कस्तूरी। कस्तूरी, इसलिए बदबू की बजाय खुशबू आ रही है। जाओ जाओ जाओ, अपने घर जाओ। घर? किसका घर? रत्ना ने मेरे सारे परिवार को मार डाला। फिर चलो मेरे साथ। तुम भी वही सुलूक करोगे जो रत्ना करने वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। रंगा वादे का पक्का, जो कहता है वो करता है। कस्तूरी, इस जन्म में रंगा, रंगा तुझे पता क्या बनाएगा? दोस्त। और अगले जन्म में पता क्या बनाएगा? बीवी। तुम डाकू हो या देवता? देवता, देवता तो रंगा से थर 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 कामते हैं।
और देवी मेरी बीवी, तू दोस्त वो बीवी, चलो चलो रंगा की महफल में बहुत बदबू, दोस्त कस्तूरी जाएगी और खुशबू फैलाएगी, चलो चलो। क्यों 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 कुत्ते कमीने, खजाने की झूठी खबर देकर मुझे खत्म करवाना चाहता था। खबर मिली थी, खबर दे दी, झूठी थी या सच्ची राम चाले, लेकिन सरदार खजाना नहीं मिला, पर नगीना तो उठा लाए हो। नगीने के बच्चे वो भी तो रंगा लेवा। रौनक लाल, जिंदगी में पहली मर्तबा रत्ना ने मात खाई है। मात कैसे नहीं खाते, धर्मा जैसा वफादार साथी जेल से भिजवा दिया। अगर धर्मा जैसा वफादार साथी हमारे साथ होता सरदार, तो रंगा तो क्या, रंगा का बाप भी हमसे टक्कर नहीं ले सकता था। सरदार अब पता चला गद्दारी का नतीजा। गद्दारी? मैंने कौन सी गद्दारी की, डाकू तो कभी भी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो सकता है। उस गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर तुमने उसे डाकू बनाया। जब वो वफादार साथी बन गया तो गद्दारी करके उसे भी पकड़वा दिया। खबरदार अपनी औकात को मत भूलो, अगर तुमने ज्यादा बकवास करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो उसका हुआ। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी अबला बहन हूं, यहां से चली जाओ। कहां चली जाऊं, इस बड़ी दुनिया में तो मेरा कोई भी नहीं है, कहीं भी चली जाओ, लेकिन मेरे नसीब से मत खेलो, मेरे सुहाग को मत लूटो। नहीं बहन, नहीं, मैं तुम्हारा सुहाग लूटने नहीं आई हूं, मैं तो अपनी मुसीबत के दिन काटने आई हूं। तुम झूठ बोलती हो, वो तुम्हें मेरी तरह अपनी पत्नी बना लेगा। तुम कैसी बीवी हो, पत्नी हो कि अपने पति पे शक करती हो? अगर वो ऐसा होता तो रास्ते में ही मेरी इज्जत लूट लेता था। तुम उसे गलत समझती हो, रंगा शक्ल का डाकू जरूर है पर दिल का देवता है, और जानती हो वो तुम्हें देवी समझता है, देवी की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं जीऊंगी तो उसके दोस्त बनकर और तुम्हारी दासी बनकर। मुझ पे भरोसा करो बहन, मेरी वजह से तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं आएगा। मैं जब तक जीऊंगी तुम दोनों की खुशियों की दुआ मांगती रहूंगी। भैया बात करना बहुत आसान है, लेकिन रंगा और रत्ना से टक्कर लेना लोहे के चने चबाना है। जो लोहे की सलाखें तोड़ सकते हैं मुखिया चाचा, वो लोहे के चने भी चबा सकते हैं। जो मौत जो मुंह से निकल कर आ सकता है मुखिया चाचा, वो मौत से खेल भी सकता है। जान की बाजी लगाकर जान ले लेंगे उन जालिमों की, दिन दहाड़े डाकू बहु बेटियों की इज्जत लूटते हैं। सारा गांव कुछ नहीं कर सकता तो तुम तीन दरिंदों से कहां तक टक्कर ले सकोगे? मुखिया चाचा, हौसला बढ़ाने की बजाय हौसला कम न करो, 3 से 3,000 भी हो सकते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता भैया, तुम फरार कैदी पुलिस के सामने कैसे आ सकोगे? घबरा नहीं मुखिया चाचा, पुलिस हमें पहचान नहीं पाएगी। तुम दोनों को पुलिस से बचने के लिए ये जगह ठीक है। तुम घबराओ नहीं चाचा, हम लोग पुलिस के हाथों आने वाले नहीं। लेकिन चाचा, मैंने कसम खाई है, जब तक करमा पे हुए जुल्म का बदला न ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, वो बेचारा गांव की बेहतरी का क्रांतिकारी बना, बागी ठहराया गया और जेल में ठूस दिया गया। उसकी बहन देवी की इज्जत बचाने के लिए गांव के किसी आदमी ने हिम्मत तक नहीं की। यह दर्द तो मुझसे सहा नहीं जाता चाचा, क्यों ना इन बुजदिल गांव वालों को तैयार किया जाए ताकि ये रंगा के खिलाफ लड़ सके। धर्मा, मेरा बेटा तो रंगा के जुल्म का शिकार हो चुका है, अब अगर मेरी जान भी चली जाए
तो मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के खिलाफ तुम्हारा साथ दूंगा। चाचा आ गई। हाँ। कस्तूरी, कैसी लगी मेरी पत्नी? सचमुच देवी है, भगवान मेरी उम्र भी उसे दे दे। अब पता चला कि तुम इतने अच्छे क्यों हो। तू सच कहती है, जब से उसने इस पाप की लंका में कदम रखा है ना, मेरा जी नहीं करता कोई गंदा काम करूं, डाका मारूं, खून करूं। पहले तो 24 घंटे उस शैतान का भूत मेरे सर पर रहता था। हाँ, उसके कहने पे चलोगे तो और भी अच्छे हो जाओगे। पर कस्तूरी, इतने बड़े पापी का अच्छा बनना भी तो आसान नहीं। अम्मा, देवी की प्रेम की ज्योत मन में जलाओगे तो देखो सब आसान हो जाएगा। नहीं कस्तूरी, नहीं, मैं खून करके पाप के रास्ते पर इतना आगे आ चुका हूँ कि मेरा वापस आना बहुत मुश्किल है। तुम कोशिश तो करके देखो रंगा। क्या करूँ कस्तूरी, जब कोशिश करता हूँ एक तरफ से देवी का प्यार खींचता है और दूसरी तरफ से शैतान मारने की धमकी देता है। कसम कसम जान निकल जाएगी। कस्तूरी, ठंडी बातें करते करते चिलम भी ठंडी हो गई, जाओ उसको दोबारा भर खिलाओ। रौनकलाल, तुम क्यों आए? ये क्या कारतूस? उधर रख दो। और कुछ? अरे बात को सरदार, वो तुम्हारा साला है ना। साला? कौन साला? मेरा देवी के सिवाय और कोई रिश्तेदार नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी देवी के भाई कर्मा की बात कर रहा था। वो रत्ना के साथ ही धर्मा के साथ जेल से भागा है। जेल से भागा है तो पुलिस पकड़ लेगी और फिर जेल में ठोंस देगी। यही तो मुश्किल है, वो पुलिस के हाथ लगता ही नहीं। गांव के बच्चे बच्चे को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है, मुखिया पुलिस से हथियार मंगवा रहा है, कर्मा और धर्मा तुम्हारे से टक्कर लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब खजाना कैसे हाथ लगेगा? खजाना तुम्हारे होते हुए गाँव वालों का सर उठाने की हिम्मत कैसे हुई? उठ, मैं कहती हूँ उठ। जब तक खजाना मेरी मुट्ठी में नहीं आ जाता मैं तुझे चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। उठ, मैं कहती हूँ उठ। नहीं उठे, नहीं उठे। राम राम मुखिया जाना। राम राम। क्या बात है रौनक लाल, आज तो कुछ नजरें चुरा कर जा रहे हो। क्या बताऊं दिलीप सिंह, मेरी तो डर के मारे हालत खराब है। क्यों, क्या हुआ? भैया, मैंने कल रात सपना देखा कि रंगा मेरे खून से हाथ रंग रहा है, सारी रात कंबल में पसीने छूटते रहे। सपनों पर ज्यादा यकीन नहीं किया करते रौनक लाल। नहीं नहीं, नहीं भैया नहीं, मैंने जब जब सपना देखा रंगा ने गांव पर हमला जरूर किया है। Thank you.
मुश्किल था। देख क्या रही हो लड़की,
कम से कम शुक्रिया अदा करो हमारा, हमने तुम्हारी जान बचाई है। ए, दूर से बात कर, बड़ा आया है बचाने वाला, जानता नहीं बचपन से शेर और चीतों से खेलती आई हूँ। कमाल की लड़की है। कुछ भी कहो यार, लड़की है बड़ी शेर दिल। मजनू कहीं के। आज क्या हुआ बेटी? 100 बार आपसे कहा बेटी नहीं बेटा कहा करिए। अकेली एक शेर और 11 डाकुओं का मुकाबला करके आ रही हूँ। क्यों नहीं, शेर की बेटी शेरनी नहीं बनेगी तो और क्या बनेंगे? फिर बेटी ये क्यों नहीं कहते, शेर का बेटा बब्बर शेर बनेगा। मुखिया, सुना है धर्मा और कर्मा जेल से फरार होकर यहीं कहीं छुपे हुए हैं और तुम लोग उन्हें पनाह दे रहे हो। कर्मा की तलाश में जरूर है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उसका कसूर क्या है? यही ना कि इन्हीं गांव वालों ने पहले उसे क्रांतिकारी ठहराया, फिर वो जेल में ठूस दिया गया, और फिर जब वो अपनी बहन देवी की तलाश में जेल की सराखें तोड़कर भागा तो पुलिस उसके पीछे पड़ गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल से जद्दोजहद में आप असली मुजरिम को नजरअंदाज कर रहे हैं। असली मुजरिम? जी हाँ, गांव का बाइज्जत बनिया जो हर खबर रंगा तक पहुंचाता है और जो डाकुओं का दाहिना हाथ बना हुआ है। लेकिन बगैर सबूत के पुलिस किसी को हिरासत में नहीं ले सकती। सबूत, कानून। इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त आपका कानून कहाँ होता है जब माओं की गोदें सती हैं? उस वक्त आपका कानून कहाँ होता है जब गांव की बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है? जब गंगाजल जैसी पवित्र देवी डाकुओं के शिकंजे में जकड़ी जा रही थी, उस वक्त आपका कानून कहाँ था? हमारी हर मुमकिन कोशिश यही है कि रंगा को जिंदा गिरफ्तार कर सके, ताकि बेगुनाह बच्चे और अबलाओं का पता लगा सके जिन्हें रंगा उठाकर ले गया। काशी पूरा हो सके। लेकिन याद रहे मुखिया, कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि जिससे धर्मा कर्मा न बच सकेंगे और न रंगा, समझे? कमला बेटी। मालिक, मालिक। ये क्या हो रहा हूँ? रंगा बिटिया को उठा ले गया बाबूजी। क्या कहा? हाँ बाबूजी, और कहता था कि जो हथियार रंगा को मारने के लिए मंगवाए हैं वो रंगा को दे दे, अगर वो रंगा को नहीं देंगे तो वो हम सबको खत्म कर डालेगा बाबूजी। उसकी ये मजाल, अगर ऐसा नहीं करेंगे बाबूजी तो वो बिटिया को छोड़ेगा नहीं। बिटिया को छुड़ा लीजिए ना बाबूजी। रंगा ने मेरी अकलौती बेटी, मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे अलग करके अपनी मौत को बुलाया है। बिटिया को छुड़ा लीजिए बाबूजी, बिटिया को छुड़ा लीजिए। अब रंगा बच नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, इसने नहीं बिगाड़ा, इसके बाप ने तो बिगाड़ा है। हाँ। क्यों मासूम की बदवाएं ले रहे हो? रंगा वापस कर दो इसे। वापस कर दूं? कैसे कर दूं? क्यों कर दूं? रंगी, तुझे नहीं पता इसके बाप ने मुझे मारने के लिए हथियार मंगवाए हैं, और मैं कहकर आया हूँ वो हथियार मुझे दे दो ताकि उन हथियारों से उसको मार सकूं। हाँ। माओ की गोल सुनी मत करो रंगा, मैं भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम तो एक रंगा को जन्म दोगी, मुझे उस रंगा की कसम, मैं रंगा के 1000 रूप देखना चाहती हूँ। हाँ रंगी, गिनी बाई ठीक कहती है। गिनी बाई खुश, रंगा खुश, गिनी बाई खुश, रंगा खुश, गिनी बाई खुश, रंगा खुश। तू औरत ही अच्छे है, एक सीधे साधे इंसान को गलत रास्ता दिखा रही है। मैं तुम्हारी सवाल खेल लूंगी, अगर तुम्हें इतना घमंड है तो अपने प्यार का जादू जगा कर खेल ले मुझसे। तेरी बत्ती यहाँ जलने वाली नहीं, रंगा मेरी मुट्ठी में है, मेरे सामने अगर आई तो मैं तुझे मसल के रख दूंगी। तेरी दहशत से रंगा डर सकता है, ये देवी की पुजारी नहीं। मेरे पति को पाप का कोट पहना कर उस पर जादू टोना कर उसे शैतान बना देती है। लेकिन याद रख, एक दिन मेरी पूजा, मेरी तपस्या तेरी तमाम नापाक इरादों को कुचल के रख देगी। मेरा पुण्य जीतेगा और तेरा पाप हारेगा। मुझे मेरी अपनी देवी माँ पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। देवी माँ। रंगा जिंदाबाद। क्या कहा?
वो कमला को उठा ले गया। गांव की हिफाजत के लिए जो पुलिस हथियार मंगवा रही है वो उसे दिया जाए, वरना उस बच्चे को खत्म कर देगा। फिर ऐसे हालत में गांव की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? बेटा, गोलियां खाकर, जुल्म से टक्कर लेकर। डैडी, डैडी, ये मजनू यहां तक भी आ पहुंचा? बेटा, ये कर्मा है, मेरे मरहूम दोस्त सुल्तान सिंह का बेटा, अपनी बिरादरी का है। अपनी बिरादरी का? बेटा बुरा मत मानना, इसका स्वभाव जरा ऐसा ही है। रंगी, मैं कितना पापी हूँ, फिर भी तू अपने पवित्र हाथों से मेरे नापाक जिस्म को छू रही है। मेरे ये हाथ तुम्हारे कदमों को नेक राह पर चलाएंगे रंगा। रंगी, ऐसा हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। जब वाल्मीकि डाकू से देवता बन सकते हैं, रामायण लिख सकते हैं, तो मेरा रंगा भी राम बन सकता है। तुम रामायण और राम की बातें छोड़ो और उस महाभारत के लिए तैयार हो जाए जो शांति घर में होने वाली है। क्यों? रंगा, सरदार, पूछने से पहले मुखिया को खत्म कर दो। मुखिया को खत्म कर? वही इस महाभारत की जड़ है। ये लो, ये लो, फांसी डाल लो। नहीं कैसे? भूल गए, तुम्हारा उत्ताद नहीं करता था काम बिना दाम। मुखिया को खत्म करो। नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, 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 नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। मुखिया का नाम कहते रंगा। हाँ, अकेले बैठ के खा रहे हो रंगा के बगैर? रंगा, हटो हटो। रंगा किसी का झूठा नहीं खाता, तुम कहते हो तो खा लेता हूँ। अच्छा है मुखिया, सुना है गांव में बगावत फैला रहे हो, बागियों को अना दे रहे हो, पुलिस की तरफदारी कर रहे हो। मुखिया, रंगा मजबूर। सुनो, वो रौनक लाल है ना, उसने 5,000 रुपए दिया है तुम्हें मारने के लिए। रौनक लाल ने मुझे मारने के लिए? रंगा, एक काम करो। बोलो। मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ। अच्छा, तुम रौनक लाल को खत्म कर दो। पर मुखिया, रंगा फिर भी मजबूर, रौनक लाल ने 5,000 रुपए दिया तुम्हें मारने के लिए और तुम 10,000 रुपए दे रहे हो उसे मारने के लिए। रंगा मजबूर, उदास, पहले रंगा तुम्हें मारेगा फिर उसको। मुखिया, मुखिया तुम तो जानते हो ना, रंगा वैद्य का पक्का बहुत पटा। उठ जाग मुसाफिर, पुर भाई अब रहन का जो सोबत है। सरदार, तुम मेरा काम हो गया? तेरा काम तो हो गया, पर अब उस मुखिया का काम करना पड़ेगा। मुखिया का काम? वो क्या? बता दू, बता देता हूँ। उसने मुझे 10,000 रुपए दिए तुझे मारने के लिए। बनिया, रो मत, रंगा की पूरी हमदर्दी तेरे साथ है, पर तू तो जानता है ना, रंगा वैद्य का पक्का, रंगा मजबूर। लेकिन मेरा क्या कसूर? रंगा बहुत मजबूर, बहुत मजबूर। सरदार, मुखिया का पैसा वापस कर दो, रंगा को ये नहीं मंजूर। ऐसा करो, जब तुम ऊपर जाओगे ना, मुखिया को कह देना रंगा ने
अपना वादा पूरा किया। सो जाओ, सो जाओ ना, सो जाओ, सो जाओ। सर झुकाओ। मुबारक हो, लड़का हुआ है। अच्छा जी हाँ। क्या कर रहे हैं आप? नया रंग आया। तुम्हारा फर्ज है, इसे हिफाजत से अपने गांव पहुंचा दो और रेशमा जाओ और कमला को अपने साथ ले जाओ। जाओ जाओ। Thank you.
चाचा का गला दबाकर रंगा हमारे जज्बात को नहीं दबा सकता। अब हमारे जज्बात दब नहीं सकते, हमारे दिलों की आग अब बुझ नहीं सकती। अब हमारा गांव किसी हथियारबंद किले से कम नहीं। डैडी, 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 कमला, मेरी बेटी, डैडी, डैडी, रेशमा, तुम्हारी ये हालत, तुम्हारे डैडी तो ठीक है ना? अंकल, अंकल, रंगा डाकू ने सबको खत्म कर दिया और चलते वक्त कमला को आप तक पहुंचाने के लिए कहे गए थे अंकल। मेरे आदमी मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपनी जान दे दी। रेशमा, आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटी, सोना मत बेटी। तुमने अकेले रंगा डाकू और उसके साथियों का जिस बहादुरी से मुकाबला किया उसके लिए हम सब नाच करते तुमसे बेटी। नहीं बेटी, मेरे यार की कुर्बानी रंगा की मौत की निशानी है। रंगा अब जिंदा नहीं बच सकता। तुम जाओ बेटी। रंगा तो शैतान है, वो क्या जाने किसी देवी देवताओं का पता। हाँ, रंगा से किसी शैतान का पता पूछो तो बताएगा। अच्छा, कहीं मेरी बीवी देवी के बारे में तो नहीं पूछ रहे आप? पता पता क्यों जी, वो तो मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी का पता बताऊं तो रंगा से उसकी बीवी आप लोग छीन लेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं बताता। नहीं बताएगा? बताऊं? हाँ बताऊं। रंगा को करके नंगा, उसकी पीठ पर मारो डंडा, फिर भी नहीं बोलेगा रंगा। कमीने कुत्ते, नहीं बोलेगा। इंस्पेक्टर। यस सर।
इस जालिम को उस वक्त तक मारते रहो जब तक पता न बता दे। अब बोल। न जाने बेचारी देवी की पुजारन इस वक्त कहां और किस हाल में होगी। क्या कहा? रंगा पकड़ा गया? अब इस सारे इलाके पर रत्ना की हुकूमत होगी। रत्ना की होश में आओ सरदार। अगर पुलिस रंगा जैसे खतरनाक डाकू को पकड़ सकती है तो हम भी पकड़े जा सकते हैं। क्या मानते हो? हाँ सरदार, अब तक हम रंगा की आड़ में शिकार खेलते आए हैं, लेकिन अब पुलिस का सारा ध्यान हम सब की तरफ होगा। तुम बात पते की कह रहे हो। अगर इस वक्त हम रंगा की मदद करके उसको पुलिस से छुड़वा लें तो रंगा सारी उम्र के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। यही मौका है। एक एहसान करके जिंदगी भर के लिए आप उसे खरीद सकते हैं। पुलिस जी आपको क्या हो गया है? आप ही तो है हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी। बकवास मत करो, बोलो बोल कहाँ है? मैंने पहले बोल तो दिया है। पर काम आया। यार किसका यार? कौन सा यार? कुत्ते का कुत्ता भौं बैरी, डाकू का डाकू यार, कैसे हो सकता है? देख ले। क्या देखूं? क्यों देखूं? रंगा, हम दोनों के दिलों में उस खजाने की आग लगी हुई है। क्यों ना हम दोनों मिलकर उस खजाने को बराबर बांट लें? पहले ढूंढ तो ले, फिर बांटने की बात करेंगे छुप कर। लेकिन कहाँ? रंगा की महफिल में, याद है वो बुलबुल चुचू, वो बुलबुल तुम्हारे सामने नचवाऊंगा, आना कभी भी आना। हाय हाय हाय, गरम है। किसने मारा है? पुलिस ने मारा, हंटर से।
कोड़े से। हाँ नीचे। क्यों? हाँ तेरा पता पूछ रही थी। मैं कैसे बताता तेरा पता? हाँ क्यों? हाँ कह देते कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ कैसे बताता? हाय तू ही तो है सिर्फ इस दुनिया में मेरा सहारा। अगर मैं तेरा पता बता लेता तो तुझे मुझसे वो छीन लेते। हाय नहीं रंगा। हाँ अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आए भगवान हमेशा अपने बंधुओं की रक्षा करता है। देखो रंगा आज उसी भगवान ने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है। रंगी तू झूठ बोलती है। मुझे तेरे भगवान ने थोड़ा बचाया है, मुझे तो रत्ना डाकू ने बचाया है। आए मेरी नजरों में तो रत्ना भगवान है ना। नहीं रंगा, रत्ना शैतान है और शैतान इंसान को हमेशा गलत राह दिखाता है। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारे बच्चे का क्या होता? आज वो भी यतीम हो जाता। तू ठीक कहती है रंगी, तू ठीक कहती। मैं बहुत पापी हूँ, गुनाहगार हूँ। बच्चों के माँ बाप होते हुए भी मैंने उनको यतीम बना दिया है। अपने बच्चे की कसम खाकर कहो तुम उन सब बच्चों को वापस भेज दोगे? हाँ, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ मैं सब बच्चों को उनके माँ बाप के पास पहुंचा दूंगा रंगी। मैं पहुंचा दूंगा बच्चों को, बच्चों को उनके माँ बाप के पास पहुंचा दूंगा। मैं पापी हूँ रंगी, बहुत पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो रंगी। तू ठीक कहती है रंगी, मैं वापस कर दूंगा, बच्चों को वापस कर दूंगा रंगी। मुझे मेरे बच्चे की कसम, वापस कर दूंगा रंगी। तू ठीक कहती है, मैं पाप नहीं करूंगा, खून नहीं करूंगा, खून ढा कर बच्चे बच्चे वापस कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तू ठीक कहती है रंगी, मैं वापस कर दूंगा, मुझे तेरे बच्चे की कसम रंगी, मैं वापस कर दूंगा, बच्चे वापस कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा, बच्चों को वापस कर दूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे बच्चे की कसम। तेरा भटका हुआ बंदा, तेरा भटका हुआ बंदा सीधी राह पर आ रहा है माँ, उसे ऐसी ही शक्ति देना मुझे तेरे, ताकि वो पाप की दुनिया से निकल कर तेरी शरण में आ जाए माँ, ऐसी शक्ति देना माँ। मुझे मारो, मुझे मत मारो, मैं बच्चे वापस नहीं करूंगा, मैं ढाका कत्ल करूंगा, खून करूंगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो माँ। मैं डाका मारूंगा, डाका डालूंगा, खून करूंगा, खत्म करूंगा, मत मारो, बच्चे वापस नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं नहीं, देखो देखो मुझे मारने आ रहा है, देखो नहीं, आ जाओ आ जाओ, नहीं मुझे माफ कर दो, मैं गलत रास्ते में आ गया था, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा होकर मारूंगा, मैं कसम करूंगा, खून करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आखिरी सांस तक तेरी गुलामी करूंगा उस्ताद, तेरा हुक्म मानूंगा, खून करूंगा, रंगा रंगा रंगा। कुछ भी करो, किसी भी तरह कर्मा को रोको, डैडी मारे गए, भाई बहन खत्म हो गए, अगर उसे भी कुछ हो गया तो। ऐसा मत सोचो बहन, धर्मा के होते हुए कर्मा को कभी आंच तक नहीं आ सकती, लेकिन मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता, बेचारा दिन रात देवी बहन के बारे में सोचता रहता है, आग की तरह सुलगता रहता है,
और जब से उसे तुम्हारे पिताजी की मौत की खबर मिली है तब से उसकी भैया, मैं भी साथ चलूंगी इस कुर्बानी की कश्मकश में। तुम दोनों के साथ कंधा मिलाकर लड़ूंगी। कैसी बातें करती हो, तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं। मुझ पे भरोसा रखो, सच्चाई की जीत होगी और तुम्हारा कर्मा कामयाब होकर लौटेगा। बहन, इस कामयाबी की दुआ भगवान से मांगना। भैया, कैसे देखा होगा। हाँ, एक बात याद आई, तेरी शक्ल तेरी बहन देवी से यानी मेरी रंगी से मिलती जुलती है। धर्मा कर्मा मेरे मना करने पर भी नहीं माने, मुझे तो डर लग रहा है कहीं जरूर रंगा के कब्जे में आ गए होंगे। वो जालिम उन्हें नहीं छोड़ेगा। क्यों ना हम रंगा पे हमला करके उन्हें छुड़ा लें। कौन हो तुम लोग? तुम्हें पहले कभी मैंने यहाँ नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं, बाल बाल बच गया। शांतिगढ़ में रंगा के खिलाफ बगावत हो रही है और जब मैं जख्मी हुआ तो ये बुढ़िया न जाने मेरे गले में क्या ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी बुढ़िया? नहीं, कौन नहीं? नहीं, कौन नहीं? मेरे बेटा बरसों पहले डाकू उठा ले गए, मैं उसे ढूंढ रही थी। मेरा बेटा भी गया, साथ में खजाने का राज भी गया। खजाना? काबिज, डाकू साले। जी, टमाटर की तरह लाल हो रहा, ये लाली असली है या नकली? सब असली है। सरदार, रसना डाकू आया। रसना डाकू? डाकू नहीं, यार यार कहो यार। अच्छा, तो नया यार बनाया है तूने, लेकिन होशियार रहना, वो यार नहीं गद्दार है। चुप चुप चुप, यार को गद्दार कर दिया? कस्तूरी लाली लगा के सुरमा लगा के चुन चुन करती हुई मैं बोल में खुशबू पिलाओ। जा 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 या या जिंदाबाद रंगा जिंदाबाद। यहाँ से यारी मिलो, यारी की रस्म निभाओ। सरकार क्या कर रही है? तुम यहाँ बदबू फैलाने आई थी या खुशबू? क्या देख रहे हो सरदार? ये कितनी खूबसूरत चीज है। अच्छा, तुम्हें पसंद है? लो लो यार की यादगार, ये लो। सरदार, तुमने तो अपनी यारी निभा दी,
अब मुझे अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। क्या क्या क्या? शांतिगढ़ के लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शांतिगढ़ चुप गया था कटोर। अरे तेरे बगैर मैं इन चांदी रातों में सारे गिल गिल के टाइम बात कर रही हूँ मेरे भाई। और सुना भाई तेरा हाल है? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अरे मेरा भैया डाकुओं के संग बह गया। अरे मेरे भाई मेरे लिए कुछ लेके नहीं आया तू? देखा तेरे लिए क्या लाया हूँ? क्या लाया? क्या लाया? इसमें रंगा की ताकत का राज है। रंगा की ताकत का राज? अरे ताकत की तो मेरे को बड़ी जरूरत है। वो डाकू लोग हमला करते हैं ना, मैं भी उनको ताकत दिखाऊंगा। ताकत दिखा दे, दिखा दे, आने दे ताकत। भैया जो देख जने चादिया। ए भाई तू भाई है के ढक्कन? जो देख जने चादिया। जो देख जो देख जो देख जो देख जो देख। ए पुलिस पुलिस इधर आ जने चादिया। खबरदार साहब खबरदार साहब। सलाम साहब सलाम साहब। देख लो आपके दाद में कैसे बाजे बज रहे हैं। जो देखो मेरी कैसी हो गई हालत। जो देखो खामोश खामोश खामोश। हमने देखा है क्या हो रहा है मेन रोड पे है? अभी बताते हैं। हमने अच्छे अच्छों को बता दिया है, समझे क्या? देखो अब्दुलरहमान कैसे बाजे बज रहे हैं, क्या है इस गले में? इसमें ताकत का राज है। ताकत का राज है? अरे खाओ खाओ। बहुत अच्छा आचार है अब्दुलरहमान, आप थोड़ा घर के लिए ले लो। वाह वाह वाहमान बहुत मजा आ रहा है। अब्दुलरहमान वाह वाह, ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इसने तो मुझे भी मरवा दिया। चलो देखो अब्दुलरहमान, फिक्र मत कर, देख अभी मैं इनको मजा चका रहा हूँ। अब्दुलरहमान पकड़ ले साले को, मेरे को नहीं अचार वाले को, अचार वाले को। माँ उस दिन मैंने तुझे नहीं पहचाना था, आज पहचान लिया। आगे ले लग जा। माँ मेरी माँ, माँ माँ माँ, इस छोटी सी चीज में ऐसा क्या है जो तू हर मरने वाले डाकू के गले में देखा करती? क्या है इसमें? बेटे इसमें हमारे पुरखों के खजाने का राज है। खजाना? इतनी छोटी चीज है ना। तू तो बच्चे का बच्चा ही रह गया पगले। ले ला मैं खोलती हूँ, मैं खोलती हूँ। बंद कर दो बुढ़िया को। माँ? किसकी माँ, कैसी माँ? मेरा तो सब कुछ ये है बेटा, खजाने मिलते ही माँ को भूल गया, भगवान से डर। अब रंगा मेरे हाथों से नहीं निकल सकता। जाओ रंगा को खबर कर दो कि खजाना खूनी झरने वाले मंदिर की मूर्ति के नीचे है, और साथ ही साथ पुलिस को भी। सरदार अब ताश के तीनों इक्के हमारे पास हैं। हाँ रंगा की माँ, खजाना, रंगा की रंगी। हुजूर हुजूर खुशी की खबर लाया हूँ, खजाने का पता मिल गया। कहाँ है खजाना? खूनी झरने वाले मंदिर की मूर्ति के नीचे। अगर खजाना मिल गया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। रंगा अब तेरी मुराद ये रंगा पूरी करेगा, जिस खजाने की तलाश में तू जिंदगी भर भटकता रहा।
उसे लाकर ये तेरे कदमों में रखेगा। चल पट। नहीं रामदास, तेरी कसम आज भगवान से तेरी अमानत छीनकर तेरे कदमों में रखूंगा। हाँ क्या रंगा खुश, रंगा खुश, रंगा खुश, रंगा खुश, रंगा खुश, रंगा खुश। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरे सुहाग बनकर तुम मंदिर नहीं लूट सकते, देवी माँ का अपमान नहीं कर सकते। रंगा उधार फेंको ये खूनी कोट, इसे पहनकर तुम्हारी सतह भूत सवार हो जाता है। रंगा तुम में शैतान आ जाता है। नहीं रंगी, शैतान और भगवान में तो हमेशा टक्कर होती रहती है, आज भी होगी। जब वो राम था ना मैं रावण था, जब वो किशन था ना मैं कंस था। हाँ। राम ने रावण को मिटा दिया था रंगा, किशन ने कंस को खत्म कर दिया था। भगवान न करे तुम्हें भी। नहीं 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 नहीं, रो मत, आज तेरे भगवान की नहीं मेरे शैतान की बारी है, आज शैतान जीतेगा। रंगा खुश, रंगा तेरा भटका हुआ बंदा तेरे पास आ रहा है, उसकी आंखों का अंधेरा दूर करो माँ, उसे रास्ता दिखाओ। वो दिल का अच्छा है, सिर्फ दहशत की वजह से दिमाग पर वहशत सवार है। तुम्हीं ने तो उसे ठीक करने की मुझे प्रेरणा दी थी ना, अब मेरी तपस्या की लाज रखो माँ। तुझे मेरी पूजा की कसम, मेरे सुहाग की लाज रख लो माँ। Thank you.
जीते मैं आ रहा, पुन जीता शैतान आ रहा, तुम जीते मैं आ रहा, पुन जीता शैतान आ रहा, भगवान जीता शैतान आ रहा। भगवान जीते शैतान आ रहा। आखिरी कथा तक बहा दूंगी, सब ठीक रहेगा, चलो तुम बच्चों का ख्याल रखो। Thank you.
हम उसकी अमानत को नहीं ले जा सकते। देखो देखो तुम चाहे तो मुझे मार डालो लेकिन मेरे बच्चों को कुछ ना कहो। मेरी बुलबुल अब रंगा की नहीं रत्ना की लंका बनेगी।
यार की यारी निभाई, वादा किया था ना, देवी तेरी ही बहन है, मेरी भी बहन है, मेरी भी बहन। पूछो, ये खुशी के आंसू हैं, पाप के लिए कितने खून किए, लेकिन खुशी हासिल नहीं हुई जो आज पुन का काम करके मिली है। रंगी, रंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तेरा पुन जीता, मेरा पाप हारा, पाप हारा। रंगी तू खुश है ना? अगर तू खुश है तो रंगा भी खुश।